डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हमने अपने चौक में ये देखिए मंडवा सुखा रखा है और अभी मैं कुछ मंडवा छत में सुखाने जाऊंगी। हेलो कर दो सबको, जय करो जय कर दीजिए। देखो फाइनली मैंने सुखा लिया है मंडवा और इसके बाद मैं जाऊंगी अपने सगोड़। तो बस हम पहुंचने वाले हैं अपने सगोड़ में। ये देखिए माँ, देखो कितना सुनसान हो रखा है, एकदम शांति। कोई नहीं हो गया और सुबह सुबह कौन आ रहा, धूप भी अभी आ रही है, मम्मी भी नहीं आई अभी। करेले की बेल लगा रखी है तो अभी देखेंगे इसमें हो रखे हैं। ये सब दिख तो रहे हैं लेकिन जाएंगे कैसे, पूरी झील हो रखी है तो झाड़ियाँ। ये देखिए बाप रे, पूरा ये देखिए दोस्तों, पूरा पूरी फैल रखी है इसके बेल यहाँ तक। और हमारे यहाँ ये जो करेला है बहुत ज़्यादा होता है, जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा मुझे, कैसे जाएं। ये देखो यहाँ से जाना था हमने पर, तो मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ क्योंकि यहाँ से रास्ता नहीं है, ऊपर वाले रास्ते से जाऊँगी। और ये देखिए इसको अगर हम हाथ लगाएंगे ना इसको, तो ये एकदम सा मुरझा जाता है। हाथ लगाती तुम सब मुरझा गया। तो दोस्तों ये है हमारे सगड़, सगड़ मतलब पहाड़ी भाषा में बोलते हैं हम, जहाँ हम सब्जी वगैरह लगाते हैं तो उसको बोलते हैं सगड़। आपने पिछली वाली वीडियो में देखा होगा प्याज की खेती, तो उस टाइम यहाँ प्याज बो रखे थे हमने, प्याज लगा रखे थे। और अभी इसमें और रखे हैं मिर्च और मूली, और ये साइड में दिख रहे जो आपको दीवार में वो है करेले, मीठे करेले परमल। इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि पापा कल दिल्ली जाएंगे ना, तो वहाँ ले जाएंगे। देखिए कट्टे में भर रहे थे हमारे यहाँ ये परमल, इतने ज़्यादा होते हैं हमारे इस सगुड़ में कि हम उसके सुख से दे देते हैं, मतलब सुखा देते हैं इनको।
को परमल भी कहते हैं और नाम तो इनका मीठा करेला है, लेकिन मतलब करेला है लेकिन ये कड़वे नहीं होते करेले की तरह। ककड़ी हो रखी, लेकिन मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मैंने गाली खाई थी मम्मी की, क्योंकि जो पिछली वाली वीडियो में देखा होगा ना आपने, वो हाथ लगा दे रही थी मैं, और जो होते हैं ना छोटे छोटे उन पर हाथ नहीं लगाते कहते हैं, फिर नहीं होते वो। मैं इस कुत्ते को भर दूंगी, लेकिन यहाँ पर अभी ज़्यादा नहीं हो रखे हैं। नीचे गिरने का डर लग रहा है मुझे। पापा कह रहे थे कि कट्टा भर के लाना तो देखते हैं होते हैं कि नहीं इतने। वैसे अभी हरे हो रखे, जब ये पक जाते तो मतलब अच्छी तरह से ना बड़े बड़े भी हो जाते हैं, अभी तो छोटे छोटे भी हो रखे हैं और दूर दूर भी हैं। तो कैसे जाना, बहुत अच्छी होती है इनकी सब्जी, इतने बड़े बड़े होते हैं और अभी तो छोटे छोटे हो रखे हैं, लेकिन हम दिल्ली ले जाएंगे तो इसलिए तोड़ रहे हैं। कांटे भी होते हैं इनमें, ये देखो वैसे बड़ा मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाना, क्योंकि फ़ोन को कहाँ पर रखना है, यहाँ पर तो झाड़ी झाड़ी हो रखी है, फिर भी आप लोगों के लिए इतना मेहनत हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, किस किस को पसंद है मीठे करेले, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इनके कांटे जो बड़े बड़े हो गदेरे वाला एरिया ना, तो हमने बनाया था ये 2012 में बनाया था ना हम लोगों ने, तो उस टाइम जब पहली पहली मतलब मिट्टी होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। हमने उस टाइम लगाया था यहाँ मूली देसी मूली लगाई थी सफ़ेद वाली, जो इतनी बड़ी बड़ी होती है, इतनी ज़्यादा हुई थी यहाँ मूलियाँ कि मतलब पूरे गाँव वालों ने खाई होगी, सबको दी हमने, हमने कहा ले जाओ बहुत सारी हो रही थी ना। और दूसरे साल हमने यहाँ मिर्च लगाई थी, मिर्च भी बहुत ज़्यादा हुई हमारे यहाँ, और हम लोग मतलब टाइम टाइम पर यहाँ मिट्टी वगैरह डालते रहते हैं, गोबर मिट्टी वगैरह ना, सब्जी वगैरह अच्छी होती है यहाँ। प्याज भी देखा होगा आपने, प्याज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और बाकी ये तो मतलब बेल, क्योंकि दीवार है ना चारों तरफ से, तो दीवारों में मतलब ये हो जाते हैं परमल करेले, तो हमें इस टाइम में सब्ज़ी वगैरह बाहर से सब्ज़ी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं। मूली भी बहुत ज़्यादा होती है हमारे, मिर्च भी होती है, ये भी होते हैं सब कुछ। तो हमारे ये वाला सगुड़ थोड़ा गांव से दूर है, ज़्यादा नहीं आधा किलोमीटर होगा, और ज़्यादा आपत्ति भी नहीं आती हमें, क्योंकि ये रोड बाई रोड आना पड़ता है, तो सही है। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे यहाँ बहुत शांति है, देखो न किसी की आवाज़ न कोई, है ना, मस्त है ना, यहाँ सुकून मिल रहा है। चल जख फूलू माँ कांड ना होन, माया का घोलू उजाड़ू क्वी ना उजाड़ू, मन की मन क्यों माँ भेद ना करू क्वी, धर्म नियट गुरु जात न पूछो। वो देखो तो ककड़ी भी रखी है पर वो पीली हो गई एकदम, मम्मी निकाल रही है मूली, और ये है मूली के पत्ते एकदम फ्रेश।
और देखो मम्मी ने कितनी सारी मूली निकाल ली है। 3 ककड़ी मिली हमें और मूली देखो, ये देखो मूली। और इधर लगा रखी है हमने हल्दी। हल्दी भी हमें मार्केट से नहीं लेनी पड़ती है, घर की हल्दी ही काफ़ी हो जाती है हमारे लिए, जो हमारे खेत में ये लगा रखी है। आधी हमने दूसरी जगह लगा रखी है तो वो हो जाती है पूरी। ये देखो चारों तरफ जहाँ भी आप देखोगे ये जो परमल के क्या है बेल, परमल की बेल है देखिए। अब मैं गदेरे की तरफ आ चुकी हूँ और यहाँ से तोड़ूँगी मैं कुछ परमल। पर कनाली की झील इतनी ज़्यादा हो रखी है कि डर लग रहा मुझे कहीं चुभ न जाए। और ये परमल के बेल है जो वो कनाली के ऊपर ही जा रखी है, उसी के ऊपर हो रखी है पूरी, तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही है तोड़ने में। यहाँ बहुत ही शांति फैली हुई है और शांति कहाँ से लाऊँ मैं, ये देखो पूरी जो कनाली दिख रही है आपको, हाथों पे चुभ रही है बार बार। करेले का बेल इसी में लगा है, ये देखिए इतने बड़े बड़े कांटे हैं ना इसमें, हाथ पे ऐसे चुभ रहे हैं कि कोई कोई तो सॉफ्ट है लेकिन कोई ऐसे चुभ रहा है कि हाथों के नक्शा ही बदल दे रहा है। तो ये देखिए दोस्तों ककड़ी खा रहे हैं हम। अब हम मूली के पत्तों को अलग कर देंगे और मूली को अलग, ताकि मूली के पत्ते जो हैं वो काय के काम आ जाएंगे। अच्छा जी रो मैं तो मत मैंने, हाँ सकर जी रो ना ना। अगर अपनी भाषा में बोलूँ तो असो जमाने लगी छ, और आप सब लोगों को तो पता चल कि ये मैंने बहुत ज़्यादा काम होंदा, और चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो सभी तक ही काम कर पौंदा, घास कटन पौंदा है ना। ये सारी चीज़ें जाएंगी दिल्ली। 4 ककड़ी है रखी हमने और अच्छा इधर भी है। चल पैकिंग हो रही है दिल्ली के लिए, जो ये सामान जाएगा ये है मूली और चूड़ा आधा रख लिया मैंने, आधा रख दिया है। अच्छा खुशबाने यार पहले है चूड़े, ये देखे अच्छी तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। और इसके साथ